सुबह सवेरे बड़ी खबर लेकर फर्स्ट बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों तक हाजिर है। बात की जाए तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रांची जाना है और रांची पहुंचते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड में जो उनके पार्टी है उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें एक अहम बैठक करना है। बात की जाए तो झारखंड की सरकार में एक बड़े योगदान के साथ राष्ट्रीय जनता दल काबिज है झारखंड के सत्ता में। इसके साथ ही अब एक लंबे वक्त के बाद जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड जा रहे हैं तो वहां अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ वो एक अहम बैठक करने वाले हैं। गौरतलब हो कि जो राज्य इकाई की टीम है राष्ट्रीय जनता दल की वो फिलहाल के लिए भंग की गई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई जो बड़े फैसले हैं झारखंड के लिए वो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लेंगे। इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक जो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष है की कुर्सी है उस पर एक नया जो चेहरा है वो देखा जा सकता है। तो निश्चित तौर पर जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बिहार में संपन्न हुई है वहीं अब रांची में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। ये अहम बैठक कई मुद्दों पर होगा। इसके साथ ही कई जो बड़े मुद्दे हैं उस पर चर्चा की जाएगी। कई चीज़ों को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद समझना चाहेंगे और किस तरीके से झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत किया जाए पार्टी का विस्तार किया जाए संगठन पर काम किया जाए इन तमाम रणनीतियों को लेकर एक अहम बैठक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड में करने वाले हैं। देखने वाली बात होगी कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी क्या कुछ इस बैठक से निकल कर सामने आता है। बहरहाल जो बड़ी खबर हम आप तक लेकर आए थे वो ये थी कि झारखंड पहुंचते ही रांची में एक अहम बैठक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेता के साथ करेंगे। जो राज्य इकाई की टीम जिसको खत्म कर दिया गया था उस पर चर्चा की जाएगी। नए सिरे से एक ढांचा तैयार किया जाएगा किस तरीके से झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल काम करे किस तरीके से पार्टी को आगे ले जाया जाए किस तरीके से जो संगठन है उसको एक नया स्वरूप दिया जाए। तो जो कुछ भी इस बैठक से निकलकर सामने आएगा वो फर्स्ट बिहार झारखंड आप तमाम दर्शकों तक जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।